Welcome to MPPSC Adda. I hope you all are doing well and you are very much consistent with your studies. Today in our revision series from the topic of history, we are going to take up dynasties and their important founders and rulers. आप लोगों ने MPPSC का अगर पहले भी पेपर देखा होगा तो MPPSC कई बार पूछ चुका है कि संगम डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, राइट? या फिर वर्धन डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, राष्ट्रकूटास के फाउंडर कौन थे, या दंती दुर्ग किस डायनेस्टी के फाउंडर थे। इस टाइप के क्वेश्चंस पीछे पास्ट में आते रहे, तो वो सारे क्वेश्चंस हम एक एक करके देखेंगे। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं, मैं आपको 6 से 7 क्वेश्चंस ही यहाँ पे डिस्कस करूँगा, बट जो उनके ऑप्शंस होंगे वो भी एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आपको कम से कम जब आप ये पूरी वीडियो देख लें तो आपके पास 20 से 25 फाउंडर्स और उन्होंने कौन सी डायनेस्टी को फाउंड किया ये आपके पास रहे। देखिए, आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट कोट है यहाँ पे। अगर आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं तो क्या लिखा है यहाँ पे कि इफ़ यू कांट डू इट ऑल टुगेदर, अगर आप ऐसे नहीं कर सकते कि इकट्ठे बहुत सारी चीज़ों को खींच सकें या बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक ही दिन में पढ़ सकें, तो इट्स बेटर टू गो फॉर वन सब्जेक्ट एट अ टाइम। एक एक करके आप सब्जेक्ट्स को पढ़ें, राइट? उन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमने एक टेस्ट सीरीज भी बनाई है, जिसमें हमने पहले यूनिट वाइज आपको सारे टेस्ट दिए हैं और बाद में फिर इसमें FLTs हैं। ये आपकी टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है 27th of March से। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं गिवन नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करके। अब देखेंगे, अगर आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये कंप्लेंट करते हैं कि वी आर अलोन, वी आर टायर्ड ऑफ इट, हाँ, या हमें डर लगता है, वो सब बहाने छोड़ के फोकस करें आप सिर्फ चीज़ों को करने में, राइट? और जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं आपके जूनियर्स, आप उनको बता सकते हैं। 1 ईयर का कोर्स भी ऑफलाइन सेंटर में चालू हो चुका है। ये एक हाइब्रिड मोड है, जहाँ पे जो लाइव क्लास होगी आपकी वो वही लाइव टेलीकास्ट होगी जो यहाँ ऑफलाइन सेंटर इंदौर में पढ़ाई जाती है, और उसका आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा आफ्टरनून तक, तो जो वर्किंग है वो भी देख सकते हैं शाम को आके, और कितने भी बार देख सकते हैं, राइट? और ये बाकी डिटेल है, और डिटेल के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी, हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? ऑप्शंस आर बिंदुसार, श्रेणिका, पुष्यमित्र या फिर वासुदेव, राइट? इनमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत से बच्चों को लगा होगा कि बिंदुसार इसका करेक्ट आंसर है, बट बिंदुसार नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर है बिंबिसार, जिसका दूसरा नाम था श्रेणिका, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि इनकी स्टैंडिंग आर्मी थी तो इनका एक और टाइटल था। श्रेणिका इज नथिंग बट द टाइटल ऑफ बिंबिसार, आपको ये याद रखना है, ठीक है? बच्चे कंफ्यूज होते हैं बिंदुसार और बिंबिसार में, राइट? तो बिंबिसार वॉज फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी, ऑल्सो नोन एज श्रेणिका डायनेस्टी। श्रेणिका नाम था इनका, बिंबिसार का। अब बिंदुसार कौन थे? अब आप यहाँ याद करने के लिए एक चीज़ ये दे सकते हैं, बिंदुसार वॉज, ही वॉज सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य हुए हैं उनके बेटे थे बिंदु। तो चंद्र जब हिंदी में लिखते हैं आप तो ऊपर बिंदी होती है, राइट? तो यहाँ पे भी आई है, तो उससे याद कर लीजिए आप कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंदुसार, वो मौर्य डायनेस्टी से थे, और बिंबिसार वो हरियंका डायनेस्टी से थे। अब नेक्स्ट अगर आप नाम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे पुष्यमित्र लिखा हुआ है। अब पुष्यमित्र ये कौन सी डायनेस्टी के फाउंडर रहे हैं, ये भी आपसे अलग से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये याद रखना है, सूंगा डायनेस्टी, पुष्यमित्र सूंगा, नाम सुना होगा आपने, पुष्यमित्र सूंगा डायन, तो वो सूंगा डायनेस्टी से। वसुदेव, वसुदेव वॉज फाउंडर ऑफ कान्वा डायनेस्टी, ठीक? तो आपको 4 फाउंडर यहाँ पे मिल गए अलग अलग डायनेस्टी के। अब कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बिंबिसार के बारे में और भी दे देता हूँ, जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पास्ट में आए हैं। कंटेम्पररी ऑफ बुद्धा, गौतम बुद्धा के कंटेम्पररी थे कौन? एक तो बिंबिसार, बिंबिसार के अलावा और भी लोग हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट द कंटेम्पररी ऑफ बुद्धा। तो ये जो नाम लिख रहा हूं मैं, ठीक है, आजाद शत्रु, उदाइन एंड किंग प्रसन्नजीता, ये चारों के चारों कंटेम्प्रेरीज है बुद्धा के। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पहले आ चुके हैं, राइट? अब श्रेणी का किसका टाइटल था? बिंबिसार का। उसी तरीके से बिंदुसार को भी एक टाइटल दिया गया था, दैट वाज
अमित्र घाट। तो अब अगर आप एग्री करते हैं आप लोग, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको एक और वीडियो चाहिए जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कि किसको कौन कौन से किंग को कौन कौन से टाइटल्स दिए गए हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएं आप मुझे, ताकि हम इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना सकें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपने सिमुका वॉज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। सिमुका इनमें से किस डायनेस्टी के फाउंडर थे? ऑप्शंस आर वाकाटका डायनेस्टी, चालुक्या, राष्ट्रकूटा एंड सातवाहना। इनमें से किस डायनेस्टी के फाउंडर रहे हैं सिमुका? द करेक्ट आंसर इज सातवाहना डायनेस्टी। ठीक, सातवाहना डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? सिमुका। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी और डायनेस्टी हैं जो डेक्कन में थी, उनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो अगर मैं ये सोच के चलूँ कि दिस इज़ योर नर्मदा रिवर एंड दिस इज़ योर तुंगभद्र, ध्यान से सुनिएगा आप, नर्मदा रिवर एंड तुंगभद्रा, इन रिवर के बीच का जो रीजन है दैट इज़ योर डेक्कन। अगर हम इसको मैप में देखें बेटा तो कुछ इस टाइप से रहेगा। तो ये रीजन जो है दिस इज़ योर डेक्कन रीजन। ठीक है, अब इस डेक्कन रीजन में बहुत सारे लोगों ने राज किया है अलग अलग टाइम पे, और जिसमें बच्चे अधिकतर कंफ्यूज होते हैं। तो एक बहुत शॉर्ट में आपको एक मिनट के अंदर मैं बता देता हूँ कुछ चीज़ें, वो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे ही मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन होगा 185 BC में, यहाँ पे बहुत सारे और लोग आएंगे एक एक करके। अब जैसे सबसे पहले आएंगे आपके सातवाहनास। जब यहाँ डेक्कन में सातवाहना रहेंगे तो ऊपर कौन रहेगा? कुशान। उस टाइम ऊपर कुशान रहेंगे, राइट। उसके बाद सातवाहना के जाने के बाद वाकाटका आएंगे, राइट। वाकाटका जब रहेंगे तो ऊपर कौन रहेगा? यहाँ पे नॉर्थ में गुप्ताज रहेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे चालुक्याज आएंगे। ठीक, ये सब नाम आपने शायद ज़्यादा फैमिलियर ना हो, ना सुना हो। ये भी दो बाद में डिवाइड होंगे, दैट इज़ चालुक्य ऑफ वेंगी एंड चालुक्य ऑफ बदामी। वेंगी हो गया वो जो विजयवाड़ा एरिया इधर, ठीक है, और बादामी इधर दूसरे एरिया में हो गया। ठीक है, वेस्ट और ईस्ट में डिवाइड हो गए चालुक्याज भी। फिर इसके बाद आते हैं चालुक्याज के बाद आके वहाँ कौन आएंगे? राष्ट्रकूटा। ठीक, जब यहाँ पे नीचे राष्ट्रकूटा रहेंगे तो ऊपर कौन रहेगा? वैसे चालुक्य जब यहाँ नीचे थे तो ऊपर हर्षा था किंग। राष्ट्रकूटा जब आए तो ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा आप, गुर्जर, प्रतिहार एंड पालाज। आपने सुना होगा ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल ऑफ गुर्जर, पाला एंड राष्ट्रकूटा, इनके बीच में हमेशा लड़ाइयाँ होती थी, राइट। उसके बाद फिर से दोबारा एक बार चालुक्याज आते हैं और ऊपर राजपूत रहेंगे उस टाइम पे। ठीक, इसको चाहे तो आप बना लें अपने कॉपी में। उसके बाद नीचे इधर विजयनगर बन जाएगा एक तरफ, ठीक, और ऊपर उसके बहामनी किंगडम। ठीक, अब इन किंगडम्स के जो इतने सारे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे डायनेस्टी, इन सब के फाउंडर्स और रूलर्स अलग अलग हैं, वो हम एक एक करके इस वीडियो में देखते जाएंगे, राइट। कुछ चीज़ें तो मैं आपको अभी ये साथ साथ याद भी करा दूंगा, जैसे बहामनी है, बहामनी किंगडम का कौन था आपसे ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो हसन गंगू, ठीक है, ये इनके फाउंडर थे, राइट। एक एक करके हम बाकी सारे ऐसे करके देखते जाएंगे अलग अलग क्वेश्चंस में, आपको मैं सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है, नर्मदा के ऊपर कौन था और नीचे कौन था और किसके बाद कौन आया, वो इस डायरेक्शन में है, राइट। तो ये आप याद कर लीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा था, सिमुका वॉज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, आंसर वॉज सातवाहना। तो सातवाहना ये रहा, ठीक है, कौन थे इनके फाउंडर? सिमुका वॉज द फाउंडर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी। अब वाकाटका भी है यहाँ पे, राइट, तो वाकाटका के फाउंडर का नाम क्या था? मैं यहाँ लिखते चलता हूँ, आप भी इसको नोट कर लीजिएगा। वाकाटका के थे विद्याशक्ति, राइट, विद्याशक्ति वॉज फाउंडर ऑफ वाकाटका डायनेस्टी। और यही वाकाटका डायनेस्टी है जिन्होंने क्या बनाया, बिल्ट किया था, दे हैव बिल्ट अजंता केव्स। ये क्वेश्चन भी आते हैं कि अजंता केव किसने बनाया, तो आंसर होगा वाकाटका। अगर क्वेश्चन आता है एलोरा केव किसने बनाया, देन आंसर विल बी राष्ट्रकूटास। इन्होंने क्या बनाया था, दे हैव बिल्ड एलोरा।
ठीक है, अजंता और एलोरा केव सुना है ना आपने, तो अजंता बनाया है वाकाटाकाज ने और एलोरा बनाया है राष्ट्रकूटाज ने। अब इनके भी फाउंडर कौन थे, तो राष्ट्रकूटा के फाउंडर वॉज दंती दुर्गा। ठीक है, यहां जो ये राष्ट्रकूटा है ना, फाउंडर इज दंती दुर्ग। आपको भी इसको बना लीजिए और इस तरीके से लिख लीजिएगा यहाँ पे सारे फाउंडर्स भी, अदरवाइज आपको मैं एक टेबल बनवा दूंगा लास्ट में। अब जैसे चालुक्याज ऑफ बदामी, तो चालुक्याज ऑफ बदामी के कौन थे फाउंडर, यहाँ पे ही लिख देता हूँ मैं, पुलकेसिन वन। ठीक है, पुलकेसिन वन थे। ठीक, ये आप सारा याद कर लीजिएगा। इसके बाद अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ये सारे फैक्ट्स हैं, इनको आप एक बार दोबारा पॉज करके देख लीजिए। बार बार देखेंगे तो आपको नाम भी याद हो जाएंगे कि सातवाहन आए थे, फिर वाकाटक आए, फिर चालुक्य आए, फिर राष्ट्रकूटा आए, फिर बहामनी और विजयनगर किंगडम आए। राइट, तो यहाँ पे अभी हमने 8 के नाम याद कर लिए हैं, एक बार कोशिश करिए रिकॉल करके लिखने की खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी के फाउंडर इनमें से कौन हैं। श्रीगुप्ता नहीं, क्योंकि श्रीगुप्ता किसके फाउंडर हैं, गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन इज कुजुला कड़फिसिस, ये आपका करेक्ट आंसर है। कुजुला कड़फिसिस इज द वॉज द फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी ऐसे आपके लिए के खड़फिसिस। ठीक है, कुजुला खड़फिसिस वॉज द फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी, आंसर इज कुषाण डायनेस्टी। राइट, पुष्यभुक्ति ये इंपॉर्टेंट है, पुष्यभुक्ति ये कहाँ के रहने वाले थे, पुष्यभुक्ति ऑफ थानेश्वर। कौन सी डायनेस्टी है ये, वर्धन डायनेस्टी। ठीक है, वर्धन डायनेस्टी के कोई बहुत फेमस रूलर का नाम बताइए, वर्धन डायनेस्टी के फेमस रूलर का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, है ना, बहुत फेमस रूलर हैं वो। अभी मैंने आपको डिस्कस भी किया था कि जब चालुक्यास थे तो वो नॉर्थ में रूल कर रहे थे, तो अब आप देख सकते हैं पीछे स्लाइड में जाके। राइट, उपेंद्र ये तो आपको पता होना चाहिए, उपेंद्र ही वॉज फ्रॉम विच डायनेस्टी, ही वॉज फ्रॉम परमार डायनेस्टी। ठीक है, परमार डायनेस्टी के फाउंडर थे उपेंद्र, ये याद हो गया। देखिए फिर से मैं एक जल्दी क्विक रिवीजन आपको रिवाइज करा देता हूँ, हरियंका डायनेस्टी के कौन थे, बिंबिसार जिनका नाम है श्रेणिका। ठीक है, बिंदुसार कौन थे ये भी हमने पढ़ा, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, उनका टाइटल था अमित्र घाट। फिर चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर थे मौर्य डायनेस्टी के, पुष्यमित्र किसके फाउंडर थे, सुंगा डायनेस्टी के, वासुदेव किस डायनेस्टी के फाउंडर थे, कानवा डायनेस्टी के। फिर हमने पढ़ा सातवाहना डायनेस्टी, सातवाहना डायनेस्टी के कौन थे फाउंडर, शिमुका। वाकाटाका के कौन थे, विद्याशक्ति। चालुक्य ऑफ बदामी के थे पुलकेशिन वन। राष्ट्रकूटा के दंती दुर्गा, ये एमपीपीएससी भी पूछ चुका है, राष्ट्रकूटा जिन्होंने एलोरा बनाया था और वाकाटाका जिन्होंने अजंता केव बनाए थे। राइट, ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिम्हा विष्णु वॉज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, सिम्हा विष्णु किस डायनेस्टी के फाउंडर हैं, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन है पल्लवा, चोला, बहामनी डायनेस्टी एंड संगम डायनेस्टी। तो बहामनी डायनेस्टी का तो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ अभी, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि हसन गंगू थे। ठीक है, याद रखना है नाम आपको, हसन गंगू वॉज फाउंडर ऑफ बहामनी डायनेस्टी। क्वेश्चन में आपसे पूछा है सिम्हा विष्णु डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, द करेक्ट आंसर इज पल्लवा डायनेस्टी। पल्लवा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, वो थे सिम्हा विष्णु, ये याद करते जाइए आप। ठीक है, अब चोला डायनेस्टी आता है, चोला डायनेस्टी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, चोला डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, द फाउंडर वॉज विजयलाया। ठीक है, ये आपको नाम याद करना है, विजयलाया जो फाउंडर थे चोला डायनेस्टी के। अब नेक्स्ट आप देखिए इसमें इंपॉर्टेंट इज संगम डायनेस्टी, ये एमपीपीएससी पूछ चुका है। ठीक है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ संगम डायनेस्टी, द करेक्ट आंसर इज हरिहर एंड बुक्का। ये एमपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछ चुका है। ठीक है, तो आपको ये याद कर लेना है। ठीक है, विजयलाया किसके फाउंडर थे, चोला डायनेस्टी के फाउंडर थे, बहामनी के फाउंडर थे हसन गंगू, पल्लव डायनेस्टी के फाउंडर हैं सिम्हा विष्णु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं,
हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? बहुत ईजी क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है MPPSC में. द आंसर इज कुतुबुद्दीन ऐबक. कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, राइट. अब दूसरे ऑप्शन देखिए, जलालुद्दीन खिलजी. जलालुद्दीन खिलजी किस डायनेस्टी के फाउंडर थे? फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी. खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर का नाम क्या था? जलालुद्दीन खिलजी. तो ये आपको याद रखना. और जलालुद्दीन खिलजी से रिलेटेड कोई बुक है क्या? जलालुद्दीन खिलजी से रिलेटेड कोई बुक है जिसके बारे में जलालुद्दीन का कॉन्केस्ट और उसकी लाइफ लिखी है? अगर नहीं पता है तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, इसके जस्ट स्क्रॉल अप करेंगे थोड़ा सा तो दिख जाएगा आपको. बुक्स एंड ऑथर्स के नाम से वो वीडियो है, तो वो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है. मिफ्ताह उल फुतू, ये एक बुक थी, इम्पॉर्टेंट बुक है, ठीक है. राइटर कौन है इसके? बाय अमीर खुसरो. अमीर खुसरो उन्होंने ये बुक लिखी थी, ठीक है. इसमें किसके बारे में लिखा? जलालुद्दीन के कॉन्केस्ट के बारे में लिखा हुआ है. अब यहाँ पे एक और नाम है, घियासुद्दीन तुगलक, ये भी इम्पॉर्टेंट नाम है, राइट. घियासुद्दीन तुगलक रिलेटेड बुक का नाम आपने सबने सुना होगा, तुगलक नामा. ये भी किसने लिखा है? बाय अमीर खुसरो, ठीक है. इसमें अकाउंट दिया हुआ है घियासुद्दीन के रीन का सारा किसमें? तुगलक नामा में. तो ये दो चीज आप याद कर लीजिएगा. और खिज्र खान जो, ये भी इंपॉर्टेंट है. आपने एक और डायनेस्टी सुनी होगी, सैयद डायनेस्टी. सैयद डायनेस्टी उसके फाउंडर थे, राइट. सैयद डायनेस्टी के फाउंडर थे खिज्र खान, ठीक. याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सोलंकी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? आपसे ये पूछा है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सोलंकी डायनेस्टी. और सोलंकी डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय, ठीक है. करेक्ट आंसर इज मूलराज. मूलराज वॉज फाउंडर ऑफ सोलंकी डायनेस्टी. अब इसमें जो दूसरे आप देखेंगे, गोपाला वॉज फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी, ये इंपॉर्टेंट है. भीलन, ठीक है. भीलन वॉज फाउंडर ऑफ यादव. यादव डायनेस्टी के फाउंडर थे. और ये जो नागभट्टा वन है, ये इंपॉर्टेंट है. नागभट्टा वन किसके थे? गुर्जर प्रतिहारा, ठीक है. गुर्जर प्रतिहारा के फाउंडर थे नागभट्टा वन. तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से मेमोराइज कर लेनी है. और इसके अलावा जो भी इसके पहले बुक्स एंड ऑथर्स आपको बताए गए थे या डिस्कस किए थे, ठीक है. जैसे कि मैं आपसे यही पूछ लेता हूँ, ये एग्जाम में भी आ चुका है, आप मुझे बताएंगे चचनामा के ऑथर कौन है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है. लैला मजनू, इसके ऑथर कौन है, आप ये मुझे बताएं, ठीक है. तुगलक नामा तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है. अब एक और लिख लीजिए आप, शाहनामा, ठीक है. नामा वाले जो हैं बुक्स, इनको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आता है, ठीक है. वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, उसको जाके एक बार जरूर पढ़ें. एंड प्लीज़ डू रिवाइज, ठीक है. रिवीजन ही की है इसकी, और वैसे भी एग्ज़ाम की डेट अभी आगे बढ़ गई है, तो इसको पूरा यूटिलाइज करें, बार बार सुनें ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं, ठीक है. कि कौन सा फाउंडर, किस पर्सन ने कौन सी डायनेस्टी फाउंड की है, या किस बुक का ऑथर कौन है, या हमने बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर्स भी आपको पढ़ाए हैं. अच्छा, देयर इज़ वन इम्पॉर्टेंट करेक्शन इन वन ऑफ द वीडियो ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स. वी हैव डिस्कस्ड दैट पीटर, अबाउट पीटर मुंडे. सो पीटर मुंडे वॉज फ्रॉम ब्रिटेन, ही वॉज अ ब्रिटिशर, ठीक है. इन द वीडियो वी हैव टेकन इट फ्रॉम इटली, विच इज नॉट ट्रू. ही वॉज फ्रॉम ब्रिटेन. प्लीज मेक दैट करेक्शन. थैंक यू वेरी मच. हैव अ गुड डे.